अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा सांप कौन सा है, तब आपके दिमाग में एनाकोंडा का ही नाम सबसे पहले आएगा। लेकिन आज से लगभग 6 करोड़ साल पहले धरती पर सांपों की एक ऐसी प्रजाति राज करती थी जिसके सामने आज के एनाकोंडा की सबसे बड़ी स्पीसीज भी महज एक बच्चा साबित होता। अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे द किंग ऑफ स्नेक टाइटेनोबोआ के बारे में, जो आज से 10 मिलियन साल पहले ही धरती से पूरी तरह विलुप्त हो चुका था। लेकिन आज भी टाइटेनोबोआ का नाम सुनते ही लोगों के दिल में आतंक फैल जाता है, और ऐसा होना भी लाजमी है। टाइटेनोबोआ जिस समय धरती पर राज करता था, तब धरती का औसतन तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। इसके बाद धीरे धीरे धरती का एवरेज टेम्परेचर घटता गया, और इस ठंड को सहन न कर पाने के चलते टाइटेनोबोआ धरती से विलुप्त हो गया। पर आपको तो पता ही है कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते धरती फिर से गर्म हो रहा है, और ऐसे में टाइटेनोबोआ के धरती पर लौटने की पॉसिबिलिटीज भी बढ़ जाती है। और अगर टाइटेनोबोआ फिर से धरती पर वापस आया, तो एवोल्यूशन और म्यूटेशन के चलते उसे वापस आने में लाखों साल लग जाएंगे। तो अगर टाइटेनोबोआ भविष्य में धरती पर फिर से वापस आता है, तो इससे हमें क्या क्या परेशानी झेलना होगा? क्या हम इंसान इसके कहर से बच पाएंगे? क्या होगा तब हमारे साथ? चलिए इन सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। टाइटेनोबोआ की लंबाई 43 फीट से 50 फीट तक और वजन 1 टन के बराबर हुआ करता था। इसकी लंबाई के बारे में अगर बात की जाए, तो दो जिराफ को आपस में एक दूसरे के ऊपर रखने से जो हाइट होगा, वो भी टाइटेनोबोआ के सामने कम पड़ जाता। टाइटेनोबोआ 60 मिलियन साल से लेकर 10 मिलियन साल तक धरती के गर्म जलवायु इलाके में, यानी इक्वेटर के आसपास के इलाके में रहना पसंद करता था। अगर आज भी टाइटेनोबोआ जिंदा रहता, तो ये हमें इक्वेटर के ट्रॉपिकल रीजन में जरूर देखने मिलता। उस समय ब्राजील, कोलंबिया, वेनेजुएला, बोलिविया और पेरू जैसे साउथ अमेरिकन कंट्रीज टाइटेनोबोआ का घर होता। ऐसे में वहाँ के लोगों को टाइटेनोबोआ के मौजूदगी में बहुत ही ज्यादा सतर्क रहना पड़ता। खुद को बचाने के लिए या तो उन्हें उन सब जगहों को छोड़कर दूसरे देशों में भाग जाना पड़ता, या फिर अपने घरों को इलेक्ट्रिक वायर और फेंसेस से घेरना पड़ता, ताकि टाइटेनोबोआ इंसानों की आबादी में ना घुस सके। तब वहाँ पे रहने वाले इंसान शायद ही अपनी मर्जी से घर से बाहर निकल पाते। मगर आज के एनाकोंडा की तरह शायद टाइटेनोबोआ भी इंसानों का शिकार करने में ज्यादा रुचि नहीं रखते, क्योंकि टाइटेनोबोआ भी इंसानों से उतना ही डरता जितना कि इंसान टाइटेनोबोआ से। इसीलिए ये सांप इंसानों से दूर रहना पसंद करता। मगर जो लोग जंगली जानवरों का शिकार करना पसंद करते, वो अपने फायदे के लिए टाइटेनोबोआ का शिकार करने से भी नहीं हिचकिचाते। उन शिकारियों की नज़र से टाइटेनोबोआ जैसे खतरनाक सांप भी नहीं बचता। वो लोग या तो टाइटेनोबोआ की खाल को निकालकर बेचता, नहीं तो इसे जिंदा पकड़कर चिड़ियाघर में कैद करके रखता। इंसानों के इन्हीं सब हरकतों के चलते टाइटेनोबोआ इंसानों के ऊपर हमला करने पर मजबूर हो जाता। टाइटेनोबोआ के शरीर की बनावट की अगर बात करें, तो ये काफी हद तक आज के ग्रीन एनाकोंडा जैसा ही होता, बस इसका आकार एनाकोंडा से कई गुना बड़ा था। यही डरावने शरीर के कारण शेर या चीता जैसे मांसाहारी जीव भी इनसे डरता, क्योंकि टाइटेनोबोआ शेर और चीता जैसे जानवरों को बड़े ही आसानी से अपनी कुंडली में जकड़कर उसका दम घुट के पूरी तरह से निकल जाता। टाइटेनोबोआ जैसे दानव को खुद से बचाने के खातिर सभी जंगली जानवर अमेज़न को छोड़कर दूसरी जगह पर चले जाते, और ये अमेज़न जंगल सिर्फ और सिर्फ टाइटेनोबोआ का ही घर बन जाता। पर इससे तब टाइटेनोबोआ को जंगल में कोई भी खाना नहीं मिलता, और ये भूख के मारे तेजी से समुन्दर की ओर शिकार करने जाता। टाइटेनोबोआ जितनी तेजी से जमीन पर चल सकता था, उतनी ही तेजी से तैर भी सकता था। बड़े बड़े समुद्र जीव जैसे कि व्हेल, शार्क, डॉल्फिन और क्रोकोडाइल इनका शिकार बन जाता। समुन्दर में इसके सामने जिस किसी भी प्रजाति के मछली आते, ये सभी को जिंदा निकल जाता। ऐसा लगातार होने के चलते बहुत से मछलियों की प्रजाति विलुप्त हो जाती, और धरती के इकोसिस्टम पे इसका भारी प्रभाव पड़ता, जिसके चलते फूड चेन पूरी तरह से नष्ट होकर बाकी बचे जानवरों को अपना भूख मिटाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता। तो अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि बस एक खतरनाक जानवर के वापस आने से जंगलों का पूरा इकोसिस्टम और फूड चेन किस तरह से तबाह हो सकता है, और इसी से टाइटेनोबोआ जैसे जीव की ताकत और औकात का पता चलता है। तो अगर टाइटेनोबोआ भविष्य में धरती पर वापस आता भी है, तब ये देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि भविष्य के मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से इंसान किस तरह टाइटेनोबोआ को कंट्रोल करते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या टाइटेनोबोआ जैसा सांप धरती पर वापस आएगा, या फिर ये सिर्फ एक झूठा अनुमान है? इस बारे में आपकी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।